अगर आप भी एड्स की वजह से परेशान हैं और इनको आप परमानेंटली ख़त्म करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोबाइल में बार बार ऐड आते तो उनके लिए आप एड सेटिंग कर सकते हैं, यानी इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ऐड सेटिंग करके आप ऐड जो है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप ऐड जो है उनको परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। तो वीडियो जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन को जो है आपने ओपन करना है, तो इसको आपने किस तरह से डाउनलोड करना है आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अगर आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा ऐड ब्लॉक, तो इनको हमने किस तरह से जो है एक्टिव करना है। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक प्रो ऑप्शन पे करेंगे तो ये आपको जो है पेड यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन हमने इसको जो है फ्री यूज़ करना है। तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑन ऑफ लिखा होगा तो इसको आपने ऑन करना है। अगर आपका ऑफ है तो इसको जो है आपने ऑन करना है। तो ऑन करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे एक बटन होगा तो उस पर आपने सिंपल क्लिक करना है। तो जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो आपका एड ब्लॉकर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे लिख भी होगा कि एड ब्लॉकर इनेबल। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप जो है एड्स को परमानेंटली आप कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये कनेक्ट लिखा होगा, तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप जो है ऐड को परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसको आपने किस तरह से डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आपने इसको जो है बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप ऐड की वजह से अगर आप परेशान हैं तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके जो है आप ऐड को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने के बाद आपके नोटिफिकेशन पर यहाँ पर इसका साइन भी बन जाएगा, यानी ये जितनी भी ऐड यहाँ पे ब्लॉक होंगे वो भी आपको यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके ऐड्स जो है उनको परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं।